टीवी सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर 2 इन दिनों खासा लाइमलाइट में है। इस टीवी सिंगिंग रियलिटी शो में जूनियर सितारे अपने गायकी का दमखम दिखा रहे हैं, साथ ही इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट शो के कैप्टन बनकर अहम भूमिका निभाते दिख रहे हैं। इस बीच बीते दिन सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर इंडियन आइडल 12 के विनर और शो के कैप्टन पवनदीप राजन ने अरुणिता कांचीलाल के साथ बेहद रोमांटिक डांस कर हर किसी का ध्यान खींच लिया, जिसके बाद उनका ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर कॉमेंट करते हुए पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल के फैंस खुशी से झूमने लगे। वीडियो को देखकर कुछ यूजर्स ने ऐसे ऐसे कॉमेंट किए कि शायद अरुणिता के परिवार वालों को फिर से निराश होना पड़ जाए। जी हाँ, अरुदीप के फैंस बोले कि इस बार आप शादी कर लें। वहीं कुछ फैंस ने कहा कि अगर आपने शादी नहीं की तो आप हिट भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब इनके फिर से शादी की चर्चाएं होने लगी हैं। क्या पवनदीप अरुणिता वाकई इन कमेंट्स को सीरियस ले लेंगे? क्या वाकई पवन अरुणिता के करियर पर ये कमेंट्स असर डाल सकते हैं? वाकई पवन अरुणिता इन कमेंट से परेशान है या क्या है हकीकत? बहुत जल्द सामने आने वाला है। फिलहाल तो पवन अरुणिता एक दूसरे को दोस्त ही बताते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये दोस्त हैं या फिर इनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है? सुपरस्टार सिंगर 2 के कैप्टन और सिंगर पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल के लिए सेट पर काम करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि काम तो आसान है लेकिन इन्हें जो लोगों के ताने फेस करने पड़े वो किसी मुसीबत से कम नहीं है। हर रोज इनसे कुछ ना कुछ ऐसे सवाल किए जाते हैं, ऐसा काम करवाया जाता है जिससे ये बुरी तरह फंस जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा एपिसोड खाली जाए जिसमें पवन अरु का रोमांस न दिखाया जाए, पवन अरु की नजदीकियां ना दिखाई जाए। कभी मेकर्स दोनों को कपल डांस करवाते हैं तो कभी हिमेश रेशमिया दोनों को एक दूसरे में खोए रहने पर टोकते नजर आते हैं। और इस बार तो शो के होस्ट आदित्य नारायण ने भी मौके का फायदा उठा लिया, वो भी पवन और अरुणिता से ऐसी बात पूछ बैठे कि पवनदीप तो मंच पर ही कांपने लगे। कांपते कांपते ही उनकी हालत खराब हो गई। सुपरस्टार के सेट पर बड़ा हंगामा देखने को मिला। दरअसल हुआ ये कि इस वक्त आदित्य नारायण पवनदीप से पूछते हैं कि पवनदीप अरुणिता कैसी लग रही है। अब ये सवाल तो छोटा था लेकिन पवन दीप के दिल में एक अलग ही उथल पुथल होने लगी, क्योंकि वो अरुणिता का नाम सुनते ही शॉक्ड हो जाते हैं। आप इसे प्यार समझे या फिर लोगों का डर समझे, लोगों की चुनौती समझे, लोगों के कमेंट्स समझे, वो सोचने लगे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। सोशल मीडिया पर फिर से फैंस उनके रिश्ते का मजाक उड़ाने वाले हैं। हालांकि पवन ने कुछ सेकंड रुकने के बाद जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि अरुणिता बहुत कमाल की लग रही है। अरुणिता पवन के मुंह से तारीफ सुनने के बाद प्यारी से स्माइल देती है, लेकिन तब तक पवन के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वही अरुणिता से भी आदित्य पूछते हैं कि पवन कैसे लग रहे हैं। अरुणिता कहती है बहुत जबरदस्त, बिंदास, सब अच्छे लग रहे हैं। आदित्य कहते हैं सब नहीं, सोनी टीवी अच्छी लग रही है। दोनों एक दूसरे की बातों पर खूब हंसते हैं। तो आप पवन अरु के रिश्ते को क्या सलाह देने जाएंगे? सुपरस्टार सिंगर 2 के नए टैलेंट बनकर मंच पर आए मोहम्मद फैज, जो इस वक्त अपनी बेहतरीन आवाज को लेकर खूब सुर्खियों में। फैज की आवाज में दर्द, इमोशनल के साथ रोमांस भी खूब महसूस किया जा रहा है। फैज ने अपनी आवाज से अरुणिता को इस कदर दीवाना बना दिया कि अरुणिता को अब चारों तरफ फैज ही फैज दिख रहे हैं। जब भी सुपरस्टार सिंगर की बात होती है तो अरुणिता अपनी टीम के फैज का नाम लेती है। एक वीडियो में फैज अरुणिता के साथ कलंक मूवी का गाना गाते नजर आ रहे हैं। जज भी अरुणिता और फैज का तालमेल देखकर स्तंभ हो गए। वो सोच में पड़ गए कि कभी को जो पवन अरुणिता के करीब होकर महफिल जमाते थे, आज उनकी जगह फैज ने ले ली है। लोग अरुणिता का नाम फिर से फैज से जोड़ने लगे। वाकई दोनों के बीच गजब का तालमेल देखा जा रहा है। हालांकि अरुणिता फैज की कैप्टन और टीचर है, जो उन्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार करती है। सोशल मीडिया पर अरुणिता और फैज के कई फोटो भी वायरल हो रहे हैं। एक फोटो में फैज अरुणिता का हक से हाथ पकड़कर उन्हें मंच की तरफ लेते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरे फोटो में फैज अरुणिता के बिल्कुल करीब जाकर उनके कान में कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। ये सब देखकर पवनदीप के दिल में घंटी जरूर बज रही होगी। पवनदीप का क्या हाल हो रहा होगा वो तो वही जाने, लेकिन पवनदीप तो खुद अपने कंटेस्टेंट को छोड़कर अरुणिता की टीम के कंटेस्टेंट की मदद के लिए आगे आ जा रहे हैं। तो आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे, पवनदीप को क्या राय देना चाहेंगे? अरुणिता के अजूबे यानी सुपरस्टार मोहम्मद फैज, जो इस वक्त सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर खूब धमाल मचा रहे हैं। फैज की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि वही
वो अजूबे हैं जिसकी तलाश सुपरस्टार सिंगर 2 को थी। फैज अनंता की टीम के हैं, लेकिन फैज का नाम होते ही उन्हें इतना आगे बढ़ते देख पवनदीप बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि पवनदीप अपनी टीम के साथ साथ अनंता की टीम का भी बहुत ख्याल रख रहे हैं। वो बार बार अनंता की टीम की तरफ जाकर उन कंटेस्टेंट को टिप दे रहे हैं, उनकी खूब मदद भी कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये टीम उनकी नहीं है। अगर वो अपनी टीम के वजह आए अनंता की टीम का साथ देंगे तो वो ही विनर बन सकते हैं, लेकिन फिर भी पवन किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अनंता से दोस्ती की और उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि अनंता की टीम जीते या पवन की टीम जीते, और वो इस दोस्ती को निभाना भी जानते हैं। जी हाँ, पवनदीप ने ये बात खुलकर सबके सामने कह दी है, हिमेश रेशमिया की आंखों में आंखें डालकर इस बात को बोल दिया है। दरअसल हुआ ये कि जब फैज अपनी परफॉर्मेंस देने अकेले मंच पर आते हैं तो उनका गाना सुनकर हिमेश रेशमिया चौंक जाते हैं। हिमेश का कहना है कि फैज ने जो गाना गाया है उसे रिकॉर्ड करवाने में कई सारे टेक लेने पड़ गए थे, लेकिन तुमने वन टेक में ही गा दिया। इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी हो सकता है, किसी बड़े महारथी का हाथ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हिमेश रेशमिया को पहले ही शक हो गया था और उनका शक सच में बदल गया तब जब फैज ने बोला कि इस गाने में उनकी प्रैक्टिस में उनकी मदद पवनदीप भैया ने की है। ये बात सुनकर हिमेश चौंक जाते हैं और पवन से कहते हैं कि तुम तो अनंता की टीम की मदद कर रहे हो, क्या माजरा है? पवनदीप कहते हैं अनंता से उन्होंने दोस्ती की है तो निभाना तो पड़ेगा। पवनदीप अनंता का ये डायलॉग सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, सब पवन को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगते हैं कि पवनदीप भी अब मुंह खोलने लगे हैं, वो भी अनंता के लिए। अनंता तो पागल ही हो जाते हैं जब पवनदीप ये बात बोलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तो आपकी इनके लविंग केमिस्ट्री कैसी लगी? पवनदीप अनंता इस वक्त नैरोबी में खूब एंजॉय कर रहे हैं, लगातार इनके ढेर सारे फोटोज सामने आ रहे हैं। अनंता पवन के साथ खूब मौज मस्ती भी कर रही है, जिसकी एक झलक हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं नैरोबी के जू घर में पवन अरु घूमने जाते हैं। यहाँ पवन अनंता और पूरी टीम के लोग चिड़ियाघर के जानवरों को गौर से देखते नजर आ रहे हैं। पवनदीप अपने हाथ से हिरण को कुछ खिलाते नजर आ रहे हैं और अनंता उनके इस खूबसूरत किस्से को अपने फोन में कैद भी कर रही हैं। इनके अलावा पवनदीप, राजन, अनंता पूरी टीम रास्ते में सड़क पर बैठ बैठ कर फोटोशूट करवाते हैं। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि यहाँ भी पवन और अनंता मैचिंग कलर के कपड़े पहने नजर आए। पवन अरु के कंधे पर हाथ रखकर बिंदास फोटोशूट भी करवा रही हैं। वहीं आपको बता दें, नैरोबी की पहली परफॉर्मेंस ने फैंस का दिल जीत लिया और अब इनके ऐसे वैसे कपड़ों पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या तुम दोनों डिसाइड करके ही कपड़े पहनते हो? पवन अनंता दोनों लाइट ब्लू टी शर्ट में नजर आए। ऐसा कई बार हो चुका है जब पवन अरु एक जैसे कपड़े पहने देखे गए। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं।